अस्सलाम वालेकुम भाई। और क्या बोलते हैं असीम भाई? ये मेरा पहला व्लॉग वीडियो है और पहले ही मुलाकात में आपके साथ मेरी ये हो गई, मतलब मुलाकात हो गई। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आपसे मुलाकात हुई। हम लोग उस्मान गोट फार्म पे जो सोलापुर में है, काफ़ी अच्छा लगा आप लोग मिले, आपके भाई भी मिले सब हम लोग को। तो बकरे के जो आप वीडियोस बना रहे हैं, हाँ, तो पूरा सोलापुर कवर करेंगे आपके, कैसा करने वाले हैं? इंशाल्लाह पूरा सोलापुर करेंगे। अभी तो हम मतलब नवा चैनल है हमारा, तो आपका एक्सपीरियंस लेके हम यूट्यूब चैनल बनाए। थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ मेरा। हाँ बोलो ना। जैसे कि ना स्टार्टिंग के दिनों में व्यूज नहीं आते हैं, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि 90% लोग चैनल बंद कर देते हैं। जी हाँ। ना ये कभी भी इम्प्रेशन में मत रहो कि व्यू नहीं आ रहे हैं, है ना। आप मेहनत करते रहो इंशाल्लाह। लोगों को लग रहा है ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा है, पर यही सच्चाई है। जी हाँ। व्यू नहीं आते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लोगों का फ़ोन छीन छीन के सब्सक्राइब करवाना पड़ता है। सही है। हर एक की जर्नी ऐसी शुरू होती है, कोई नई बात नहीं है। तो आप भी मेहनत करते रहना। जी हाँ। और नई नई चीज़ें करना, इंडिया विजिट करो, ठीक है। यहाँ पर जो जो शौकीन है उनका वीडियो बनाओ। जी हाँ। जाके रास्ते में एक बकरी भी दिखी उसका वीडियो बनाओ। जी हाँ। ऐसे ही आप मेहनत करते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप कब आए थे भाई इधर सोलापुर में? कल आया था मैं, उस्मान भाई के आया था खास करके। हाँ। और इनके यहाँ हर मतलब 3-4 महीने में आता हूँ। जी हाँ। ये हमारे भाई का इधर पर फैन है उस्मान भाई। हाँ। तो इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम सद्या को अभी जो है ना उस्मान गोफ फार्म में ही है, तो आपको थोड़ी देर में आपको बकरे भी बता देंगे। तो ये सोच भी नहीं सके मैं सकता हूँ कि इस वीडियो में, पहले ही वीडियो में हमारे को असीम भाई मिले हैं। कोई बात नहीं है भाई, आपकी दुआ है इंशाल्लाह, है ना। तो दिखा देंगे हम लोग मेंढे, इंशाल्लाह दिखाओ भाई। बहुत शुक्रिया। बाड़े में अंदर जाने दो। तो ये है हमारे उस्मान भाई के मेंढे। भाई कौन से नस्ल के मेंढे ये है? हाँ हॉन्टन। हाँ ये हॉन्टन शीप है माशाल्लाह। कब से पाल रहे हो भाई आप? ये मेरा काम ब्रीडिंग का है अमन भाई, अपना मतलब पालने का वगैरह काम नहीं, लाना बेचना काम। हाँ ब्रीडिंग का। आपको ये शौक कब से आया बकरों पालने का? शौक तो बचपन से ही है। हाँ। आसिम भाई के चैनल से लॉकडाउन के टाइम से काफ़ी शौक बढ़ गया है। मैं आपके बहुत सारे वीडियो देखा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। और आपके पास और कौन से नस्ल के बकरे हैं? मेरे पास तो हर नस्ल के बकरे आते रहते हैं, सेल होते रहते हैं। हाँ। हर तरह के जानवर आते हैं, सेल होते हैं। पंजाबी है वहाँ पे, ये वो पंजाबी है, ये सानियन क्रॉस में सानियन। हाँ माशाल्लाह आपका शौक बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरा क्या हुआ, वीडियो भाई लोग आपको थोड़ा अंदर में मिलेगा, हम शाम के टाइम पर आए हैं, इधर लाइट्स नहीं है, इसको फोकस करो। तो ये जो है ये सानियन क्रॉस है भाई। आप क्या नाम वगैरह कुछ रखे हुए हैं? ये माशाल्लाह भाई के मुर्गे वगैरह है, आवाज़ कर रहे हैं। और हमारे उस्मान भाई, और आप कुछ बोलना चाहोगे हमारे चैनल के बारे में? यही बोलना चाहूँगा कि नया चैनल है, काफ़ी लोग सपोर्ट करें, मैं भी इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब पे मेरे स्टेटस पे डाल दूँगा इंशाल्लाह। आपको एक बच्चा दिखाता हूँ, ये सानियन क्रॉस है क्या भाई? हाँ ये सानियन बेंटम क्रॉस ही है। ये देखो भाई माशाल्लाह एक नंबर क्वालिटी में है। कितने दिन का है भाई ये? ये लगभग 2.5 महीने का बच्चा है माशाल्लाह। फीमेल है। इसकी माँ भी है क्या? इसकी माँ ही है। ये इसकी माँ है माशाल्लाह। और इसके और एक बच्ची है वो बाहर चल रही है। ऐसा है भाई, ये जो है हमारे उस्मान भाई मतलब घर में बकरों का शौक करते हैं, और इनका खुद का यूट्यूब चैनल है उस्मान गोट फार्म सोलापुर बोल के। भाई आप लोग भी इनको सपोर्ट करो, इंशाल्लाह हमको भी सपोर्ट करो, हमारा नवा चैनल है। चलना ठीक है। सलाम वालेकुम।